गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने प्राप्त किया था और मैंने आपको उसका पूरा क्लासिफिकेशन बताया था। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होती है ना, कॉन्फ़िगरेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं और जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं आसानी से, लेकिन जो कन्वर्टेबल होते हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते, वो लगभग आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। इसलिए हम कन्फर्मर्स में, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में जब हम कन्फर्मर्स बनाते हैं, जब हम कन्फर्मर्स बनाएंगे तो उनमें हम बात नहीं करेंगे इनेंशियोमर्स की या डाइस्टीरियोमर्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन कन्वर्टेबल है वो रिजॉल्वेबल है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे आगे चल के कि हम रेसमिक मिक्सचर को रिजॉल्व कर सकते हैं, हीट करके उसे तोड़ सकते हैं डी और एल में, लेकिन डी को एल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एल को डी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे मेन कंडीशन जो निकल के आई वो आई सबसे मेन कंडीशन, जिसको आप बोलते हैं एसेंशियल एसेंशियल कंडीशन। एसेंशियल कंडीशन क्या निकल के आई कि आर आर एस, इसका पूरा नाम मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, अब आप समझिए कि सिस्टम क्या है, कहानी क्या है, सी डबल बॉन्ड सी की कहानी है। डबल बॉन्ड जिसको आप बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी की कहानी है। भाई कार्बन में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2 जेंटलमैन ध्यान देना जरा, सारे इलेक्ट्रॉन जब अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल में पड़े रहते हैं तो उसको आप और हम बोलते हैं GS, मतलब ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, और जब इसका हमने एक्साइटेड स्टेट बनाया तो एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में आपने क्या देखा कि ये 2s और 2p में कितने हो गए, 3। तो हमारे पास
सपोज दैट ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल जब हमने यूज किए तो कितने ऑर्बिटल हो गए? टोटल तीन। और ये जो ऑर्बिटल है जेंटलमैन, इसको हम बोलेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम बोलेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब एक s और दो p लिए तो ये कार्बन sp2 हो गया, ये कार्बन sp2 हो गया, और प्रत्येक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है। ईच कार्बन अटैच्ड टू डबल बॉन्ड हैज वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्बन, डबल बॉन्ड से क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसको आप प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्योर पी ऑर्बिटल। तो देखें ऑर्बिटल डायग्राम क्या शो कर रहा है। ऑर्बिटल डायग्राम क्या शो कर रहा है प्यारे बच्चों? कि ये कार्बन है और इस कार्बन के हमने दो ऑर्बिटल इस तरह से शो किए। ये दूसरा कार्बन है, इसके हमने दो ऑर्बिटल ऐसे शो किए। और कितने एच लगे हुए हैं इस sp2 कार्बन पर? दो। तो एच के s ऑर्बिटल को हमने ऐसे शो किया। एच के s ऑर्बिटल को हमने ऐसे शो किया जेंटलमैन। तो जब हमने एच के ऑर्बिटल को शो किया तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना और ओवरलैपिंग क्या हुई? sp2s। यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग क्या हुई? sp2s। यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बना, ओवरलैपिंग क्या हुई? sp2s। यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बना, ओवरलैपिंग क्या हुई? sp2s। एक सिग्मा यहाँ है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो सिचुएशन क्या दिख रही है कि जब हमने इसको भी ओपन किया, अभी फिलहाल में सिचुएशन क्या है कि sp2s ओवरलैपिंग, कितने बार हो रही है? चार बार टेक्स प्लेस फोर टाइम्स। एंड फॉर्म फोर सिग्मा बॉन्ड्स। जो sp2s ओवरलैपिंग हो रही है प्यारे बच्चों वो कितने बार हो रही है? चार बार, और चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं।
लेकिन अभी भी एक सिग्मा और एक पाई बाकी, तो एक सिग्मा और एक पाई बाकी है, तो उसका सिस्टम क्या है देखते हैं। कि आपने ये, मैं सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ, सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूँ, ये C है और ये दूसरा C है, और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, ओके, और एक ऑर्बिटल ऐसे रखा हुआ है। ये देखिए ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की दोनों लोब देखो, एक लोब यहाँ पे छोटी है और एक लोब बड़ी है, लेकिन ये जो पी ऑर्बिटल है ये कौन से हैं, ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं इस तरह से, ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं इस तरह से, ये एच ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये जो है ना, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आप देखें साइड टू साइड, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये जो है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है सब। हमेशा ध्यान रखें केमिकल बॉन्डिंग, इसीलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ मैं, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक लोब है, एक ये लोब है, तो पूरा ये एक ऑर्बिटल है। जेंटलमैन ध्यान दें, ये पूरा एक ऑर्बिटल है जिसको मैं सेडेट कर रहा हूँ, ये पूरा एक ऑर्बिटल है, और ये पूरा एक ऑर्बिटल है जिसको मैं पिंक से सेडेट कर रहा हूँ। तो दीज आर अनहाइब्रिड, दीज आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और आप देख रहे हैं कि इनकी साइड टू साइड, ठीक है ना, साइड टू साइड, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, और अनहाइब्रिड और प्योर पी ऑर्बिटल्स, विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बना, ये जो सिग्मा बना वो तो किस ओवरलैपिंग से बना, sp2 sp2, ये ओवरलैपिंग क्या हो रही है sp2s, बता चुका हूं मैं, ये ओवरलैपिंग क्या हो रही है sp2s, ये ओवरलैपिंग क्या हो रही है sp2s, ये ओवरलैपिंग क्या हो रही है sp2s। ये जो पाई बॉन्ड बना जेंटलमैन, इस पाई बॉन्ड की मतलब आपने ऐसे एक छड़ी डाल दी साहब ऐसे बीच में और एक इधर, ठीक है ना, तो ये कैसा मामला हो रहा, ठीक है ना, कि ये कैसा मामला हो रहा, ये ऐसे था तो ये फ्रीली मूव कर रहा था, नाउ दिस केस हो गया ये, तो अब ये इधर मूव नहीं कर पा रहा और ये इधर नहीं आ पा रहा, तो ये फ्री रोटेशन, इसमें फ्री रोटेशन नहीं है, फ्री रोटेशन नॉट,
किसी ने आपसे पूछा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब हम डबल बॉन्ड में बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हुआ क्यों, तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ड्यू टू द पाई बॉन्ड आर आर एस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम इज फॉर्म, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम हुआ, अगर मैं एक मिनट के लिए इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा जो डायग्राम है वो एक प्लेन में है जेंटलमैन, और ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये जो पी ऑर्बिटल हैं, ये दोनों पी ऑर्बिटल साफ पैरेलल हैं, और ये जो दोनों पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं और वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की, यदि आप भूल गए हैं तो आप ध्यान रखें कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं वो एक प्लेन में हैं, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है, तो पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होते हैं, तो ये जो रोटेशन है जेंटलमैन, ये रोटेशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है सब। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता तो है डबल बॉन्ड में, लेकिन कब होता है ये हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको ये एक्सप्लेन किया कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पाई बॉन्ड की वजह से आरआर होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज फॉर्म ड्यू टू द पाई बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ आर आर एस, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है। सबसे पहला है डबल बॉन्ड, इसको शॉर्ट में डीबी बोलते हैं। डबल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम आ जाएगा, जिसमें एन के पास एक लोन पेयर होगा, एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम आ जाएगा, दोनों एन के पास एक एक लोन पेयर होगा। जेंटलमैन, डबल बॉन्ड के इतने सिस्टम हैं। अब डबल बॉन्ड के सिस्टम के अलावा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के सिस्टम के अलावा क्या याद रखना है, साइक्लो अल्केन,
साइक्लो अल्केन। फिर क्या याद रखना है, साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन के बाद क्या ध्यान रखना है, स्पाइरो सॉरी एलीन। एलीन के बाद क्या ध्यान रखना है, स्पाइरो। और स्पाइरो के बाद क्या ध्यान रखना है, बाई फिनाइल। जेंटलमैन ध्यान देना है कि मैंने आपको क्या बताया कि डबल बॉन्ड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम में आप समझ लें कि C डबल बॉन्ड C, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियरली। तो C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड L। डबल बॉन्ड के बाद फिर आएगा साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन के बाद साइक्लो अल्कीन, मतलब इसे हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। एलिन्स आ जाएगा, एलिन्स की पहचान इस तरह से हम कर लेंगे। स्पाइरो आपको पता ही है, फ्यूजन ऑफ रिंग होगा, और वाई फिनाइल मतलब दो फिनाइल जुड़े होंगे, चर्चा करेंगे डिटेल में। तो इतने सिस्टम में, मतलब डबल बॉन्ड के अलावा इतने सिस्टम में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। तो ये हुए टाइप्स ऑफ आर आर एस जेंटलमैन। अब हम बात कर लें कंडीशन, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर केस है वो है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर केस क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, जिसको हम बोलते हैं अल्कीन। तो हम पहला केस केस नंबर वन हम क्या सीखने जा रहे हैं, अल्कीन। अल्कीन ओके, तो इसमें कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, कंडीशन फॉर जीआई, पहली कंडीशन है आरआरएस मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर।
और स्क्वायर प्लेनर। और तीसरा है, तीसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन अटैच टू द डबल बॉन्ड मस्ट बी कंटेन टू डिफरेंट एटम्स। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। कार्बन एटम्स बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि सी पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि महत्वपूर्ण सभी हैं। सी पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, एटलीस्ट टू कार्बन, दो कार्बन के साथ जरूर ऐसा होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो, ये मैं अल्कीन में कंडीशन फॉर जीआई बता रहा हूँ कि आर आर एस मस्ट बी प्रेजेंट, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, कार्बन एटम्स अटैच टू द डबल बॉन्ड मस्ट बी कंटेन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम अल्कीन मतलब सबसे फेवरेट केस डबल बॉन्ड की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम अल्कीन में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि साहब अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी, तो सीधा बोलो कि sp2 कार्बन पे प्रत्येक sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए। क्या बोला, sp2 कार्बन एटम शुड कंटेन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इंडिविजुअली। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान चलो सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है, मैं डिफरेंट टाइप के स्केलेटन बनाऊंगा आपके सामने और आपको बता देना है कि क्या होने वाला है। सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है और इस पर हमने
इस तरह के सिस्टम देखिए मैंने आपके सामने बनाई और आपको बताना है, हम चेक कर सकते हैं। देखिए sp2 कार्बन पर दोनों एटम डिफरेंट या दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इस sp2 कार्बन पर एक x है और एक y है, और इस पर देखिए आप ये दोनों सेम हो गए, सब सेम हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये नहीं आएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये देखिए ये sp2 कार्बन है, इस पर एक ग्रुप B लगा हुआ है, एक D लगा हुआ है। जेंटलमैन दोनों अलग हैं, देख पा रहे हैं आप, ये C पे दोनों सेम आ गए, तो ये सेम आ गए तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस पर देखिए एक A लगा हुआ है, एक B लगा हुआ है, और इस पर भी एक A और एक B है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चौथे स्ट्रक्चर में देखें, इस पर एक A है और एक B है, दोनों डिफरेंट है, एक C है और एक D है, चारों मतलब रिपीट ही नहीं हुआ, एक के बाद B है, B, C, D, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। A, B, X, Y है, सभी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है जेंटलमैन, सो यू कैन सी दैट ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। sp2 कार्बन पर A लगा हुआ है और ये B लगा हुआ है, दोनों डिफरेंट हैं। इधर B और B ये देखिए सेम हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस sp2 कार्बन पर देखिए एक A लगा हुआ है, एक B, और इस पर भी एक A और एक B लगा हुआ है, ये शायद रिपीट हुआ है, तो ये भी शो करेगा। इस पर देखिए A और B दोनों डिफरेंट हैं, इस पर दोनों सेम आ गए हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा जेंटलमैन। सो रिमेंबर वन थिंग, बहुत ही आसान सा खेल है कि sp2 कार्बन, मतलब जब आप अल्कीन में, क्योंकि हम पहला केस सीख रहे हैं कि जब आप अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सी डबल बॉन्ड सी, मतलब पाई बॉन्ड सिस्टम जो रिस्ट्रिक्टेड है वो होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों sp2 कार्बन पर जो पाई बॉन्ड से कनेक्ट हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर दोनों एटम या दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि अल्कीन में अल्कीन में आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ अल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक ऐसा सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल हो, अ सेंटर ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेर GI और ऑप्टिकल, अ सेंटर ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज कॉज्ड इज कॉल्ड स्टीरियो
सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे छोटे से दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान चलिए ये एक हमने एक स्टीरियो सेंटर बनाया, हमें नहीं पता कि ये स्टीरियो सेंटर है या नहीं है, और हमने देखो ए ए ए ए सारे एटम क्या लगा दिए, सेम लगा दिए, तो डज नॉट शो जी आई। अल्कीन परिवार का पहला सदस्य जिसको आप बोलते हैं इथीन, ये सारे एटम क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं आपको। ऑल द एटम्स आर सेम सिमिलर, तो क्या इस तरह का सी डबल बोन सी सिस्टम स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? नो, दिस सी डबल बोन सी विल नॉट बी स्टीरियो सेंटर। तो आप स्टीरियो सेंटर पहचानना सीखें। तो ये सी डबल बोन सी स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। छोटे से क्वेश्चन और हैं दो तीन, प्रोपीन की बात की जाए तो देखिए इसे हम रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं। sp2 कार्बन, ये देखिए ये दोनों सेम हो गए, इस तरह का स्केलेटन मैंने बनाया था, ये हालांकि डिफरेंट है लेकिन ये तो सेम हो गए ना, कहानी गड़बड़ हो गई, तो ये भी GI शो नहीं करेगा, डज नॉट शो GI, तो ये GI शो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अल्कीन जिसकी चर्चा मैंने की, बेसिक से आप पूरा लेक्चर तैयार करिएगा जेंटलमैन। अभी हम पहले केस में एंट्री कर चुके हैं, मतलब अल्कीन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा कर चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक नया टॉपिक हमने शुरू किया, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस करते जाइएगा। ऑल द बेस्ट।